ब्रो हाउ यू मेक टाइम लैप्स। भाई आप टाइम लैप्स कैसे रिकॉर्ड करते हो? भाई टाइम लैप्स कैसे किया, कोई मॉड या कुछ और? प्लीज बताओ, मैं भी एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, मुझे बताओ प्लीज। ब्रो रिप्ले मोड कैसे यूज करते हो? यू टेक टाइम लैप्स। भाई टाइम लैप्स कैसे बनाते हो? प्लीज बताओ। भाई टाइम लैप्स कैसे बनाते हो? कैसे यू टेक टाइम लैप्स? भाई टाइम लैप्स बनाया आपने? टाइम लैप्स कैसे बनाया? भाई टाइम लैप्स बनाते हो? टाइम लैप्स कैसे तो फाइनली तुम सभी लोगों के 98,997 कमेंट्स आने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो बना ही देते हैं कि आखिरकार मैं अपने टाइम लैप्स को कैसे बनाता हूँ। मेरे हर एक वीडियो में वो एक कमेंट रहता ही था जो कि है मैं अपने टाइम लैप्स को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो या आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को ए टू जेड एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैं अपने टाइम लैप्स को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखो भाई मैं तो बस इस वीडियो को तुम ही लोगों के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 500 लाइक्स का। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा हाउ टू मेक परफेक्ट माइनक्राफ्ट वीडियोस इन मोबाइल। तो अगर गाइस चाहते हो कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो लाइक के बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, बट लाइक कर देना। सो या लेट्स गो, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो गाइस सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिनेमैटिक बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक मॉड डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सिनेमैटिक एड ऑन, और वो मॉड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे दोनों जगह पर मिल जाएगी। एंड एक और बात गाइस, अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप का सिनेमैटिक शॉट बनाना है तो आपके पास 2 फोन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल ही सही सुना गाइस, अगर आपके पास 2 फोन्स नहीं है तो आई एम सो सॉरी, आप लोग इस टाइप का सिनेमैटिक नहीं बना पाओगे। सो मेक श्योर आपके पास 2 फोन्स हो। ऑलराइट गाइस, तो जब आप इस एडन को यूज करोगे तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स होंगे। एंड मैं अभी इन्हीं सारी चीजों के काम बताने वाला हूँ कि आखिर ये सारी चीजें करती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है गाइस सिनेमैटिक फोकस। इसका यूज ये है कि इसको जहां पर भी आप लगाओगे आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो वहीं पर फोकस करेगा। मींस गाइस आप जिधर भी मूवमेंट करोगे आपका जो स्क्रीन है वो इसको ही फोकस करेगा। तो इसके बाद सेकंड है हमारे पास सिनेमैटिक मार्कर। इसी चीज के यूज से गाइस हमारा जो प्लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह घूम के जाएगा। लाइक अगर यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा तो ये हो गया सिनेमैटिक मार्कर 1, एंड अभी मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ तो ये हो गया सिनेमैटिक मार्कर 2। मतलब हमारा प्लेयर मार्कर 1 की तरफ से 2 की तरफ आएगा। सो इसके बाद है गाइस हमारे पास इंक्रीज मूवमेंट स्पीड। एंड इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि इससे क्या होने वाला है, इससे हम अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ठीक इसके ऑपोजिट है ये डिक्रीज मूवमेंट स्पीड। नेम से ही पता चलता है कि इससे हम लोग अपने मूवमेंट करने की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं। एंड इसके बाद है हमारे पास रीसेट मूवमेंट स्पीड। इसका यूज करते ही हमारा जो स्पीड है वो पहले था वैसा हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर मार्कर्स। इसका यूज करते ही हमने जितने भी चीजें लगाई है, जितने भी मार्कर्स लगाई है वो सब गायब हो जाएंगे। तो इसके बाद है हमारे पास ये हेल्प मी। इसके यूज से आप ये जान सकते हो कि इस एड ऑन को कैसे यूज करना है, बट मैं आप लोग बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग इस वीडियो से सीख ही रहे हो ना। तो इसके बाद है हमारे पास ये स्टार्ट सिनेमैटिक ट्रेलर। इसका यूज करते ही आपका सिनेमैटिक बनना हो जाएगा स्टार्ट। एंड इसको स्टॉप करने के लिए गाइस बस हमें उसी बटन को एक बार और होल्ड करना है जिससे हमारा सिनेमैटिक स्टॉप हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट है हमारे पास ये एग्जिट। इसका यूज करते ही जितने भी इससे रिलेटेड सामान होंगे सब कुछ हमारी इन्वेंटरी से क्लियर हो जाएंगे। ओके तो आप लोगों ने अभी सीख लिया है कि इस एड ऑन को यूज कैसे करना है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को सिनेमैटिक कैसे बनाना है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपका जो भी बिल्ड है, आप कोई भी फार्म बना रहे हो, घर बना रहे हो, उसका सामान आपको पहले से कलेक्ट करके रख लेना है। लाइक यहाँ पर देखो मैं एक घर यहाँ पर बनाने वाला हूँ जिसके लिए मैंने सामान पहले से कलेक्ट करके रख लिया है। तो सेम आपको भी चाहिए वो कोई फार्म हो या फिर कोई बिल्ड हो, आप भी सामान पहले से कलेक्ट करके रख लेना। तो इसके बाद गाइस करना है आपको अपने गेम को सेव एंड क्विट। तो इसके बाद गाइस आपका जो भी वर्ल्ड है, लाइक ये वाला मेरा वर्ल्ड है जहाँ पर मैं इस बिल्ड को बनाने वाला हूँ, हमें जाना है इस वाले वर्ल्ड के पेंसिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से गाइस हमें बना लेना है अपने इस वर्ल्ड का एक कॉपी वर्ल्ड। एंड फिर हमें जाना है अपने कॉपी वाले वर्ल्ड के पेंसिल वाले ऑप्शन पर। एंड यहाँ पर जाना है हमें बिहेवियर पैक्स में। एंड यहाँ पर जाने के बाद हमें अपने उस वाले एड ऑन को, जो कि नाम है यहाँ पर देख सकते हो सिनेमैटिक एड ऑन, इसको कर देना है एक्टिवेट। और इसको ऑन करने से गाइस हमारे अचीवमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको अपने कॉपी वर्ल्ड में कर रहे हैं ताकि हमारे रियल वाले वर्ल्ड के अचीवमेंट्स ना ऑफ हो। तो इसके बाद हमें जाना है सिंपली अपने रियल वाले वर्ल्ड में। एंड फिर सारा सामान लेके जो भी आपका बिल्ड है या फिर फार्म है
आपको उसको बिना रिकॉर्ड किए हुए बना लेना है। एंड आई थिंक गाइज अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। सो या हमें जो है गाइज सिनेमैटिक के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार हमें अपने रियल वाले वर्ल्ड में उस बिल्ड को बनाना पड़ेगा एंड एक बार हमें अपने कॉपी वाले वर्ल्ड में उसी बिल्ड को वापस से बनाना पड़ेगा। अब देखो यार, अगर अच्छा सिनेमैटिक शॉट बनाना है तो डबल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो अब चलते हैं अपने कॉपी वाले वर्ल्ड में एंड अब बनाते हैं अपना सिनेमैटिक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लेना है एंड अपने जो है बिल्ड या फिर फार्म का एक छोटा सा आउटलाइन बना लेना ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ का मिडिल कौन सा है। लाइक ये वाला जगह मेरे इस बिल्ड का मिडिल सेंटर है। और हाँ गाइज, आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको जाना है अपने वर्ल्ड के रिसोर्स पैक में एंड यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है रिक्वायर प्लेयर्स टू एक्सेप्ट रिसोर्स पैक टू ज्वाइन। इसको हमेशा यहाँ पर टिक लगा के रखना, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसके बाद गाइस आपको करना है अपने दूसरे फोन को इनवाइट एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैं अपने भाई के फोन से भी आ चुका हूँ। ओके, तो हम लोग गाइस इसी वाले फोन से अपना सिनेमैटिक जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। और बाय द वे पता नहीं मेरा स्किन क्यों नहीं दिख रहा, उसको इग्नोर करना। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग अपना गेम मोड को क्रिएटिव में। तो अब खोलना है हमें अपना चैट बॉक्स एंड यहाँ पर हमें ये वाली कमांड टाइप करनी है स्लैश फंक्शन स्टार्ट एंड ये कमांड डालते ही हमारे पास स्टार्टिंग में जो उस चीजें थी वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले लेना है हमें अपना फोकस मार्कर एंड इसको हमें अपने बिल्ड के सेंटर में लगाना है। और लगाने के लिए बस अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा होल्ड करो जिससे ये लग जाएगा। तो इसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा ऊपर एंड जाना है थोड़ा सा दूर एंड इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है एक सिनेमैटिक मार्कर। तो ये लग गया सिनेमैटिक मार्कर वन, तो टू को मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो दूसरा वाला भी लग चुका है, अब नेक्स्ट वाला मैं लगाता हूँ थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा दूर यहाँ पर। एंड सेम इसी तरीके से गाइज हमें एक पूरा सर्कल बनाना है अपने बिल्ड के अराउंड। तो गाइज फटाफट से मैं इसको कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। एंड ये लग गया आखिरी वाला मार्कर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने इनको कैसे लगाया, यहाँ पर है पहला, फिर यहाँ से वहां पर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, फिर वहां से घूमते हुए फिर से जाएगा ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से आगे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हमें अपने हाथों में इसको पकड़ना है स्टार्ट सिनेमैटिक ट्रेलर को एंड जाना है हमें सेटिंग में एंड यहाँ पर आने के बाद हमें जाना है वीडियो वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर देख सकते हो इसको कर देना है ऑन हाइड हैंड एंड हाइड HOD, इन दोनों को ऑन कर देना। इससे गाइज हो जाएगा आपका स्क्रीन एकदम पूरा क्लियर। तो अब हमें गाइस कुछ नहीं करना, बस अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके करना है अपने स्क्रीन को होल्ड एंड एज यू कैन सी हमारा सिनेमैटिक बनना हो चुका है एकदम स्टार्ट। अब हमें अपने दूसरे फोन से बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। और अगर गाइस आपका सिनेमैटिक आपके बिल्ड पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाए तो वापस से कर दो सिंपली अपने सिनेमैटिक को स्टार्ट। बाय गन। ओके, सो आई होप गाइस आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका 101% रिप्लाई दूं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।